कल्याण हो आपका। आपकी ख्याति तो बहुत पहले से हम सुन रहे थे और आज आपके आगमन से हमारा हृदय काफ़ी प्रसन्न है कि आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। देखिए, ये मेष वृष सिंह कन्या तुला धनु मकर मीन जी, इन राशि को छोड़ करके सभी राशि वालों के लिए लाभदायक होगा। ये चंद्रग्रहण सायं 5:09 पर लगेगा, रात्रि 6:19 पर समाप्त होगा। नमस्कार, मेरा यह प्रयास रहता है कि प्रत्येक धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक और घटनाक्रम की जानकारी आप लोगों तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करूं। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के अवसर पर वर्ष का चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। चंद्रग्रहण की सूचना आम लोगों तक पहुंच चुकी है, तमाम लोगों को यह जानकारी हो चुकी है कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन संध्या में सूर्य चंद्रग्रहण लगेगा। चंद्रग्रहण का क्या दुष्प्रभाव होता है, क्या प्रभाव होता है, चंद्रग्रहण किन राशि के जातकों को देखना चाहिए, किन राशि के जातकों को नहीं देखना चाहिए, जो लोग अगर गलती से देख लिए और उनके लिए देखना निषेध माना गया है तो वे क्या करें, ग्रहण का कौन कौन प्रभाव होता है, सूतक काल कब से लगता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं गायत्री परिवार हरिद्वार के प्रचारक और प्रकांड विद्वान पंडित श्री राम सुभग जी महाराज। श्री राम सुभग जी महाराज आज मेरे साथ हैं और इनसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ग्रहण को देखने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, किन राशि के जातकों को देखना चाहिए, आइए चर्चा करते हैं और पंडित जी महाराज से एक एक बिंदुओं पर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी मेरे इस चैनल में आपका। कल्याण हो आपका। आपकी ख्याति तो बहुत पहले से हम सुन रहे थे और आज आपके आगमन से हमारा हृदय काफ़ी प्रसन्न है कि आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं जी। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि अब नज़दीक है, 8 को पूर्णिमा है महाराज जी, और पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लग रहा है। किस राशि पर इसका बुरा प्रभाव होगा और किस राशि के जातक पर इसका बेहतर प्रभाव होगा? ये चंद्रग्रहण सायं 5:09 पर लगेगा, रात्रि 6:19 पर समाप्त होगा जी। पूरा ग्रहण काल 1:10 का है जी। इसमें ये ग्रहण जो है भरणी नक्षत्र और मेष राशि पर लग रहा है जी। मेष राशि के जातक नहीं देखेंगे? हाँ, मेष राशि के जातक और भरणी नक्षत्र में जन्म लिए जातक जी, ये दोनों यदि देखेंगे तो उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है जी। क्या दुष्प्रभाव होगा उनके साथ? और बहुत सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, ग्रहण का दुष्प्रभाव कई प्रकार से आते हैं जी। और किन किन राशि के जातकों के लिए लाभदायक होगा? देखिए, ये मेष वृष सिंह कन्या तुला धनु मकर मीन जी, इन राशि को छोड़ करके सभी राशि वालों के लिए लाभदायक होगा जी। हाँ, इन राशि वाले नहीं देखेंगे? हाँ, इन नहीं देखेंगे, नहीं ये राशि वाले देखेंगे, लेकिन इनके लिए ये ग्रहण जो है सो थोड़ा सा माने लाभकारी नहीं होगा, बस इतना ही है। देखने के लिए सिर्फ मेष राशि के जातक ही नहीं देखेंगे जी, और भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो नहीं देखेंगे, बाकी सभी देख सकते हैं। कोई ग्रहण काल का सूतक कब से लग जाता है? 9 पूर्व से। क्या निषेध रहता है उसमें, वर्जित क्या रहता है जो नहीं करना चाहिए सूतक के दौरान? उसमें जो है सो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए जी। हाँ, ये वर्जित होता है, कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए ग्रहण काल में जी। बच्चे, बुजुर्ग, रोगी, बीमार, इन लोगों के लिए भी कुछ छूट है क्या? बच्चे, वृद्ध और रोगी ये पथ्याहार ले सकते हैं जी। हाँ, इन ये उस काल में भी उनके लिए वर्जित नहीं है। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए जिससे लाभ मिले मनुष्य को? ग्रहण काल में किया हुआ श्राद्ध, दिया हुआ दान, जपा हुआ मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, कल्याणकारी होता है।
तांत्रिक लोग ही तो केवल मंत्र का जाप करेंगे, बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? तांत्रिक लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति यदि ग्रहण काल में मंत्र जपता है तो अन्य काल के जपे हुए मंत्र की अपेक्षा ग्रहण काल में जपा हुआ मंत्र ज़्यादा लाभकारी होता है, सिद्धि प्रदान करने वाला। गुरु मंत्र का जाप भी हो सकता है? किसी भी मंत्र का जाप हो सकता है। और क्या कहेंगे आम लोगों को, सुझाव क्या रहेगा आपका ग्रहण काल में, क्या करें क्या नहीं करें? ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को अपने पेट के ऊपर गाय के गोबर का पतला लेप लगा लेना चाहिए ताकि गर्भ के पर ग्रहण का किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो। जी, हाँ, यात्रा वगैरह नहीं करनी चाहिए? यात्रा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण कैसे लगता है, क्या इसका कारण है? ग्रहण तो इसके जो है सो भौगोलिक कारण अलग है, आध्यात्मिक कारण क्या? आध्यात्मिक कारण यही है कि राहु जो है वो चंद्रमा को ग्रसता है जी, जिसके चलते ये ग्रहण लगता है जी, ऐसा ही बताया गया है शास्त्रों के अंतर्गत। अगर कुछ श्रोता और दर्शक आपसे कुछ सलाह लेना चाहें तो कोई नंबर है जो जारी कर दिया जाए, चूँकि लोग आपसे जानकारी ले सकें? हाँ हाँ, हमारा नंबर है 99-34-93-38-99 जी। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इस वर्ष का चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण पर आगामी 8 नवंबर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे गायत्री परिवार हरिद्वार के प्रचारक और प्रकांड विद्वान पंडित श्री राम सुभग जी महाराज। आप इनके माध्यम से सुन रहे थे कि ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, क्या दुष्प्रभाव होगा। महाराज जी ने अपना नंबर भी जारी किया है, अगर किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेनी है तो आप महाराज जी से फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। सारण प्रमंडल के बहुत अच्छे विद्वान पंडित हैं, तमाम विधि के माध्यम से पूजा पाठ एवं अन्य कर्मों को कराते हैं, संस्कार कर्मों को भी कराते हैं। आप इनसे एक बार अवश्य संपर्क करें, इनसे मिलें और इनके बताए हुए रास्ते के अनुसार ही आप ग्रहण काल में प्रत्येक कार्य को करें। आचार्य पंडित श्री राम सुभग जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।